welcome you all in your subject social science. Okay, today we are going to discuss about chapter 14 part 3. Okay, open your book page number 92, efforts for diversity and equality. Yes, देखो हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है ओके वो उसकी बेनिफिट्स तो है बट समटाइम्स उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है ओके कुछ कंडीशन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं ओके और फिर इस डाइवर्सिटी में इक्वालिटी के लिए क्या क्या एफर्ट्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ओके वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन अवर कंट्री ओके हमारी कंट्री में अलग अलग आपको ये वेराइटीज़ है वो दिखती हैं राइट डिस्क्रिमिनेशन इन सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज ओके और यही जो डिस्क्रिमिनेशन है ओके यही तो हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी है अलग अलग डिफरेंसेस कभी कभी इसी से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं राइट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट ये सब डिफरेंसेस आपको दिखते हैं गरीब अमीर ओके मेल फीमेल में लिटरेट इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ अर्बन रूरल ओके कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री इन द एंशिएंट टाइम्स सोशल स्ट्रक्चर वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम पहले वर्ण सिस्टम कैसे थी ऑक्यूपेशन के हिसाब से कि जो जो काम करता था उसके हिसाब से उसकी कास्ट होती थी मतलब कि कोई बहुत ब्रेव है ओके तो उसे क्षत्रिय बोला जाता था जो पूजा वगैरह करते थे उसे ब्राह्मण बोल लेते थे अभी ऐसा नहीं है अभी जहाँ पे जिसका बोर्न हुआ उस हिसाब से उसकी कास्ट सिस्टम है पहले वर्ण सिस्टम उस हिसाब से थी उनके ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप्स रिमेन बैकवर्ड्स सोशली एंड इकोनॉमिकली इसलिए कुछ जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली और वो पीछे रह जाते हैं कुछ चीज़ों में ये डिफरेंसेस की वजह से कि ये इसको ये नहीं करना है उसे वो नहीं करना है राइट तो ये बढ़ गया है हैंस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम टू इनटू एग्जिस्टेंस मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर फॉर देयर लिविंग स्टैंडर्ड इन हाई ओके दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन तो देखो कुछ जो पढ़े लिखे हैं कुछ अच्छे लोग हैं मतलब उनको वो लगता है कि वो ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कोई अपने काम से भी कमा सकते हैं तो जो कमाते हैं वो रिच हो जाते हैं तो फिर वो उनका स्टेटस वगैरह ऊंचा हो जाता है तो इस वजह से थोड़ी डिफरेंसेस भी क्रिएट होती हैं राइट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया ओके हमारा देखो हमारा देश है वो गांव का देश बोला जाता है कि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं ओके अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द रूरल पीपल ओके गांव की बस्ती हमारे यहाँ पे ज़्यादा है ओके सो ड्यू टू द मेजर डिफरेंसेस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैव अराइजन एमंग रूरल एंड अर्बन पीपल तो ग्रामीण और शहरी ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं कि ये गांव के लोग हैं ये शहर के कुछ चीज़ें देखो गांव में आपको ईजीली मिल जाती हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी होती है जैसे कि आपको फूड वगैरह आपको एकदम प्योर मिलेगा तो वहाँ पे इंटरनेट का वो सब थोड़े प्रॉब्लम रहेगी ओके रास्ते थोड़े ऐसे ख़राब होंगे वो सब तो सिटी में आपको फूड थोड़ा मतलब आपको प्योर कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी तो ये सब प्रॉब्लम होता है राइट सिंस राइट टू इक्वालिटी इज़ गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके अनटचबिलिटी इज़ रिमूव्ड
जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तभी कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए कि अनटचेबिलिटी वो नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले ऐसा था कि कुछ लोग थे उनको टच करने से भी लोग इतराते थे, ओके, और उनको कुछ जॉब भी नहीं मिलती थी। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं कि कोई भी कैसा भी हो, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो कोई भी पोस्ट पे आ सकते हैं, ओके। तो ये सब हमारे गवर्नमेंट ने सब जारी किया है। सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी जस्टिस एंड स्टेटस। यस, सबको सही न्याय मिलेगा और स्टेटस भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है, आपकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, ओके। आरटीई हैज गिवन राइट टू फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, सो एवरीबडी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन। देखो, राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है हमारे यहाँ पे, उसके हिसाब से सबको पढ़ने का अधिकार है, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, मतलब कि आपको कुछ, चलो कोई प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं अगर पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में आपको फ्री एजुकेशन मिलता है, ओके। और राइट टू एजुकेशन में कभी कभी कुछ स्टूडेंट को प्राइवेट स्कूल में भी एजुकेशन मिलता है, ओके। तो ये सब, सबकी जो कंडीशन है वो स्टेटस लेवल है सबका इक्वल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज़ रखी है, ओके। और सबको सब फैसिलिटीज़ मिलती है। अभी देखिए, गवर्नमेंट हैज़ इनहेंस्ड द एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक विलेज रोड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब प्रोवाइड करते हैं। गांव में भी ये सब प्रोवाइड होता है, राइट। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर ग्रेटेड वुमन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सो देयर ऑनर एंड रिस्पेक्ट कैन बी मेंटेन्ड, ओके। यस, औरतों को भी कुछ इक्वालिटी मिली है। पहले देखो, लेडीज बाहर ही नहीं निकलती थी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको थोड़ा अलग लगेगा, पर पहले हमारी कंट्री में ऐसा था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सब रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है, राइट। बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन राइट, पीपल फॉलो देयर ऑन रिलीजन, स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, ओके। देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए सब लोगों को अपने हिसाब से अपना जो भी धर्म आपको फॉलो करना है वो आप कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो सिर्फ हिंदू धर्म, अगर उनको क्रिश्चियन या कोई मुस्लिम कोई धर्म है वो पसंद है तो वो फॉलो कर सकते हैं, ओके। कोई रोक टोक नहीं है, कोई लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं कुछ भी, तो सबको अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार है। तो ये सब डिफरेंसेस होती है, ओके। ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट सेम, ओके। हमारे सिटी में वो सब फैसिलिटीज है, कहाँ से कहाँ तक, गांव से लेके गांव में, ग्राम पंचायत से लेके दिल्ली पार्लियामेंट, ओके। तो वहाँ तक सब लोगों को अपने अपने हिसाब से, सब लोग वहाँ पे सब अपने न्याय के लिए पहुँच सकते हैं और सब अपने जॉब पा सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि कौन क्या बने, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि सब इक्वालिटी, इकोनॉमिकली और हमारे जो सब कुछ है, सब जो डाइवर्सिटी है उनको एक करने के लिए, तो इक्वालिटी भी ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। यस, ये तो बहुत होता है हमारी कंट्री में, ओके। अभी भी कुछ गांव में ऐसे होता है। अभी देखो, आप सब गर्ल्स जो पढ़ाई कर रही है उनको थोड़ा सुन के अलग लगेगा कि पहले सिर्फ बॉयज़ को एजुकेशन के लिए परमिशन दी जाती थी, गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं था, राइट। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, वुमन प्ले ए मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। यस, अभी सब ने समझ लिया है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी सब कंट्री और वर्ल्ड में ये माना गया है कि जो वुमेन है वो हर जगह पे कुछ ना कुछ कर सकती है,
ओके और उसका वो देश आगे बढ़ सकता है जिसमें वुमन कुछ भी कर सकती हो। देखो हमारे ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हमारी वुमेन और गर्ल्स नहीं है, राइट? तो सब सब जगह पे वो कुछ भी कर सकती है। अब तो एयरफोर्स में भी आ गई है, राइट? ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद द सोशल एंड कल्चर व्यू पॉइंट देयर इज डिफरेंसेस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, राइट? तो पहले ऐसे माना जाता था उनको ऊंचा लिया ऊंचा स्थान बॉयज़ को मिलता था, ओके? गर्ल्स के लिए सब अलाउड नहीं था ये सब। पहले क्या था उनको कि गर्ल्स सिर्फ कुकिंग और हाउस होल्ड वर्क के लिए होती है, ओके? और बच्चे संभालने के लिए। बट ऐसा नहीं है, वुमन डोंट हैव इम्पोर्टेंस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स। उनको डिसीजन लेने का भी हक नहीं होता था फैमिली मैटर्स में, सब जेंट्स ही डिसाइड करते थे। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, राइट? गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकती हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, राइट? दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली। पहले नहीं किया जाता था, पहले उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। उनको कुछ भी पढ़ाई के लिए कुछ वो फ्री नहीं थी, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट। अगर घर पे अलाउड हो तो ही कोई जा सकते थे ऐसे, पर ऐसा कुछ नहीं है अभी। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में शादी कर देते थे। तो ये सब गर्ल्स के साथ पहले होता था, राइट? तो उसकी वो उनको मजबूरी थी क्योंकि पहले ये सिस्टम ही थी, पर अभी ऐसा नहीं है, राइट? बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट बोथ ऑफ द बॉयज आर गिवन प्रेफरेंसेस ऑफ, सो गर्ल्स बिकम विक्टिम्स ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, लेस मेंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली। तो ये सब होता तो आपको सीधा डिफरेंसेस दिखाई देता कि भाई ये बॉय है गर्ल है, तो ये कुछ काम ये कर सकते हैं, कुछ काम ये नहीं कर सकते हैं, बराबर? तो पहले ऐसे डिफरेंसेस थे, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग। बट अभी जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है और गर्ल्स को पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे वो बहुत आगे बढ़ गई है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे बिल्कुल दूर कर दिया गया है। अभी आपको ऐसा कुछ लगता है कि गर्ल्स को एजुकेशन के लिए फ्री नहीं है, राइट? इंडिपेंडेंट है, सब सामने से अपने गर्ल्स को पढ़ाते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।